स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 1। इसका पहला टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो व्हाट इज डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स? द फूड इज प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी एंड अनयूज्ड फूड इज डेफिकेटेड। फूड हम जिसे प्रोसेस्ड करते हैं और यूटिलाइज करते हैं जिसे हमारी बॉडी, और अनयूज्ड फूड एक्सक्रीट के द्वारा निकल जाता है। The food that we eat passes through a canal inside our body. जो फूड हम खाते हैं वो एक कैनल से निकलती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। This canal is also called alimentary canal. इस कैनल को alimentary canal भी कहा जाता है। The canal is divided into different parts. कैनल को different parts में divide किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है the mouth और buccal cavity. सेकेंड फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ रेक्टम एंड सेवेंथ एनस। दिस इज द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज द बकल कैविटी, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। हम इसे बेहतर तरीके से समझते हैं नेक्स्ट डायग्राम से। माउथ या फिर बकल कैविटी, दीज थ्री स्लाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। Our next topic is digestive tract in human beings. So what is digestive tract in human beings? There are three glands associated with the alimentary canal that secret digestive juices that are used to convert complex food into simpler substance. हमारी बॉडी में थ्री ग्लैंड्स होते हैं जो एलिमेंट्री कैनल में होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस को जमा करते हैं, बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस से बदल देते हैं, जैसे कि लिवर, दूसरा पैनक्रियास और तीसरा स्लाइवरी ग्लैंड्स। है लिवर। लिवर बाइल जूस बनाता है। लिवर का बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जो पैनक्रियास के अंदर ही स्टोर होता है। जो बाइल जूस रहता है वो फैट्स के डाइजेशन में मदद करता है। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट इन तीनों के डाइजेशन में मदद करता है। ये है तीन स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स ये काम करते हैं कि स्टार्च को शुगर में बदल देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? द एलिमेंट्री कैनल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी which is responsible for the digestion of the food in the body. This system is called the digestive system. Alimentary canal और digestive glands दोनों मिलकर एक system बनाते हैं human body में, जो digestion में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसी system को digestive system कहते हैं। The mouth or buccal cavity. So what is a buccal cavity? Buccal cavity is the starting point of the alimentary canal. The food is chewed with the help of teeth. Food को teeth के help से चबाया जाता है। The tongue in the mouth helps in mixing the food with the saliva and helps in swallowing inside the mouth. Tongue क्या काम करता है? Tongue की वजह से ही saliva food से mix up हो पाता है और टंग की वजह से ही हम खाने को निकल पाते हैं। इट ऑल्सो हैज टेस्ट बड्स विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ एनीथिंग दैट वी ईट। बिसाइड्स दिस द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन टॉकिंग। हम जो भी खाते हैं वो हम किसकी मदद से आइडेंटिफाई कर पाते हैं? टंग की मदद से। क्यों? क्योंकि टंग के पास टेस्ट बड्स होते हैं। और इसके अलावा टंग टॉकिंग में भी हमारी मदद करती है। द स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अ माउथ
सीक्रेट सलाइवा विच मिक्सेस द फूड मॉइस्चरेट एंड ब्रेक द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे माउथ में होते हैं, ये जब फूड से मिक्सअप होते हैं तो वो उसे मॉइस्ट कर देते हैं स्टार्च को और स्टार्च को शुगर में बदल देते हैं। माउथ का डायग्राम, सबसे पहले है आउटर लिप, उसके बाद है जिंजिवा। जिंजिवा टीथ को बेस देता है। उसके बाद है हार्ट पैलेट, उसके बाद है पैलेटाइन टॉन्सिल, उसके बाद वेंट्रल साइड ऑफ द टंग, उसके बाद फ्लोर ऑफ द माउथ, उसके बाद इनर लिप। जिंजिवा गम्स होते हैं, मींस मसूड़े होते हैं। ये चीक्स है, चीक्स सबको पता ही है। अब हार्ट पैलेट का क्या रोल होता है? हार्ट पैलेट हमारे माउथ को स्ट्रक्चर देता है। पैलेटाइन टॉन्सिल का क्या रोल होता है? पैलेटाइन टॉन्सिल किसी भी नॉन हाइजेनिक चीज को हमारे अंदर जाने नहीं देता है। वेंट्रल साइड ऑफ द टंग मींस टंग के अंदर का भाग। फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ कहाँ होता है? टंग और टीथ के बीच में फ्लोर ऑफ द माउथ रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द टीथ। सो व्हाट इज द टीथ? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट मिल्क टीथ। इन द अर्ली चाइल्डहुड अ सेट ऑफ टीथ ग्रो इन चिल्ड्रन एंड फॉल ऑफ आफ्टर सर्टेन एज ऑफ 6 to 8 इयर्स। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। बहुत छोटे रहते हैं जब हम, तब हमारे अंदर एक सेट बन जाता है, ग्रो हो जाता है टीथ का, और वो तभी फॉल होता है। कम से कम 6 to 8 इयर्स में वो फॉल हो जाते हैं। इन टीथ को मिल्क टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ, द टीथ दैट ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ फॉल ऑफ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। दे जनरली रिमेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम और एटलीस्ट अंटिल ओल्ड एज। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? जो टीथ मिल्क टीथ के गिरने के बाद ग्रो होते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। जनरली ये लाइफ टाइम रहते हैं, वरना फिर कम से कम ओल्ड एज तक तो रहते ही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। कितने प्रकार के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। सबसे पहला मोलर्स, ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट ओनली इन अडल्ट। ग्राइंडिंग टीथ मतलब पीसने के टीथ जो सिर्फ अडल्ट में होते हैं। दूसरा है इंसाइजर्स, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, काटने वाले टीथ को इंसाइजर्स कहते हैं। तीसरे को प्री मोलर्स, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग टीथ मतलब पीसने या चबाने के लिए जो टीथ होते हैं उन्हें प्री मोलर्स कहते हैं। और कैराइंस, काटने या चीरने के लिए जो टीथ होते हैं उन्हें कैराइंस के नाम से जाना जाता है। यह है डायग्राम। यह है मोलर्स, यह है प्री मोलर्स, यह है कैनाइंस और यह है इंसाइजर्स। और नेक्स्ट टॉपिक है टूथ डिके। सो व्हाट इज अ टूथ डिके? अ ग्रेजुअल टूथ डैमेज इज ऑफन कॉल्ड टूथ डिके। जब हमारी दांत में कोई डैमेज हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, उसे टूथ डिके कहा जाता है। द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ दैट ग्रो इफ यू डोंट क्लीन आवर माउथ। सबसे बड़ा कॉज जो है टूथ डिके का वो तब होता है जब बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं और वो ग्रो होते हैं। क्यों ग्रो होते हैं? अगर हम अपने माउथ क्लीन नहीं रखते हैं। एनी लेफ्ट ओवर फूड इनसाइड आवर माउथ चेंजेस इनटू सच बैक्टीरिया। कोई भी बचा हुआ खाना इस बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है। इसके बाद का पॉइंट है एज अ रिजल्ट एन एसिड इज रिलीज व्हिच डैमेजेस द टीथ स्लोली। इसके परिणाम स्वरूप जब बैक्टीरिया फैट से मिलता है तो रिएक्ट करता है, तो एक एसिड रिलीज होता है जो हमारे टीथ को बहुत स्लोली स्लोली डैमेज करता है। टूथ डिके कैन कॉज सीवियर पेन एंड इवन टूथलेस। टूथ डिके बहुत ज्यादा पेन दे सकता है और कई बार टूथलेस भी हो जा सकते हैं, होते हैं हम।
टूथ डिके इज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग हाई शुगर कंटेंट्स, एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट एक्सेट्रा। टूथ डिके सबसे ज्यादा ईटिंग हाई शुगर, मतलब बहुत ज्यादा शुगर जिसमें रहती है, वो कंटेंट्स खाने से होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट एक्सेट्रा। हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके, हम इस प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम बच कैसे सकते हैं टूथ डिके से। सबसे पहला है क्लीन योर टीथ ट्वाइस विद ब्रश, अपने टीथ को दो बार ब्रश से साफ करिए। राइज योर माउथ आफ्टर एवरी मील यू ईट, कुल्ला करिए आप कोई सभी मील खाते हो। डू नॉट पुट अ डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड थिंग इन योर माउथ, कोई सी भी गंदे हाथ और गंदी चीजें अपने मुंह में ना डाले। क्या है टूथ डिके की स्टेजेस, सबसे पहला इनेमल लेसन, इसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो बाहरी टीथ के बाहरी परत को नुकसान पहुंचाता है। इनेमल डीके, इस स्टेज में बैक्टीरिया बाहरी परत को निकालकर तोड़कर अंदरूनी परत पर आता है। डेंटिन डीके, इस डीके में वो नर्व्स तक पहुंच जाता है, नर्व्स को हार्म करने लगता है। और पल्प डीके, वो नर्व्स में दर्द करने लगता है। और आखिरी टूथलेस, आखिरी स्टेज होती है टूथलेस। इन पार्ट टू वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, द लिवर एंड पेनक्रियास। थैंक्स।